हेलो गाइस, वेलकम टू दिजमणि न्यूज़। तो गाइस, आज हम बात करेंगे मार्वल डीसी से रिलेटेड काफ़ी कमाल के अपडेट के बारे में, बात करेंगे कुछ एस्ट्रा अपडेट के बारे में। तो वीडियो को पूरा देखिएगा, अपडेट काफ़ी ज़्यादा कमाल के हैं। तो सबसे पहले मैं आपको एक चीज़ क्लियर करना चाहता हूँ, मैंने अभी हाल ही में स्कारलेट जॉनसन की फेसबुक, इंस्टाग्राम, ट्विटर पर कुछ इमेजेस डाली थी। तो आपको मैं बता दूँ, मेरे पे फुल रिपोर्ट आ चुकी है। एक्चुअल में ये इमेजेस हैं 2014 की, जब स्कारलेट जॉनसन हॉलीडे पर अपनी पूरी फैमिली के साथ आई थी। अब आपके मन में सवाल होगा कि स्कारलेट जॉनसन अभी है कहाँ। तो उनकी अपकमिंग एक और मूवी आ रही है जोजो रैबिट, जिसके वो रेड कारपेट प्रीमियम में है। ये इमेजेस करीब 5 घंटे पहले की हैं, जिसमें कि वो प्रीमियम में सबको ऑटोग्राफ दे रही हैं और काफ़ी अच्छी लग रही है। उनका ड्रेसअप देखा जाए तो काफ़ी ज़्यादा लाजवाब लग रहा है। एक्चुअल में वो खूबसूरत तो स्मार्ट तो लगती हैं, पर उनका ड्रेसअप और जो सेंस होता है वो काफ़ी ज़्यादा कमाल का होता है। तो अभी तो वो हाल ही में अपना शूट फिनिश करके अपना रेड कारपेट में आराम से इन्जॉय कर रही हैं। अगर आप अभी भी सोच रहे हो कि वो इंडिया में है, तो ऐसा नहीं है। अब आप बात करते हैं कुछ एस्ट्रा अपडेट के बारे में। तो फाइनली मार्शल अली का कुछ रूमर्स आ रहा है कि वो बैटमैन मूवी में कमिश्नर गॉर्डन का रोल प्ले कर सकते हैं, जो कि मार्वल फेज 5 में ब्लेड की मूवी करने वाले इन फ्यूचर। उसी के साथ एक और रूमर आया क्रिस्टिन का, जो कि ट्विलाइट में काम कर चुकी हैं। पॉसिबली पता ये चला है कि शायद ये इन फ्यूचर कोई सुपर हीरो का रोल प्ले कर सकती हैं, जैसे लाइक कैप्टन मार्वल। उसी के साथ कन्फर्म हो चुका है पावर पैक की एक टीवी सीरीज आएगी डिज्नी प्लस पर, जो कि काफ़ी कमाल की होने वाली है। ये बच्चों की है, जो कि देखते हैं कि इन फ्यूचर बच्चों से रिलेटेड भी क्या टीवी सीरीज देखने को मिलेगी। और साथ ही साथ कन्फर्म हो चुका है पैगी कार्टर का रोल प्ले करने वाली एक्ट्रेस, वो मिशन इम्पॉसिबल 7 में कन्फर्म हो चुकी हैं। उन्होंने इंस्टाग्राम पे ये पोस्ट डाल के कन्फर्म करा। कैप्टन मार्वल का एक और कॉन्सेप्ट आर्ट लॉन्च हुआ है, जो कि काफ़ी कमाल का लग रहा है, जिसमें उनके बाल बिल्कुल अलग तरीके से दिखाए गए हैं। साथ ही साथ एक और अपडेट आया, रूमर आया है थीसा थॉम्सन का, कि वो बैटमैन मूवी में ब्लैक कैट का रोल प्ले कर सकती हैं। तो ऐसा मुझे तो अच्छा नहीं लग रहा, और आपका क्या मानना मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना। उसी के साथ एक और अपडेट काफ़ी कमाल का, जोकर मूवी को गोल्डन अवार्ड मिल चुका है, जो कि बहुत बड़ी बात है, क्योंकि अभी तक मूवी भी रिलीज़ नहीं हुई है और ऐसा अवार्ड मिल गया उन्हें। देन उसी के साथ एक और बिहाइंड द सीन इमेज आया 2012 की एवेंजर्स का, जो कि काफ़ी कमाल का लग रहा है। और ये वही बंदा है जिसको आप जानते होंगे, जो कि थैनोस के साथ रहता था, उसका लेफ्ट हैंड बनकर। और साथ ही साथ एक और अपडेट आया काफ़ी कमाल का, हमें फीमेल थॉर पहली देखने को मिल जाएगी व्हाट इफ टीवी सीरीज़ में, जो कि एक एनिमेशन मार्वल की टीवी सीरीज़ होने वाली है। और साथ ही साथ व्हाट इफ में हमें देखने को मिलेंगे सबसे पहले वॉचर्स, जो कि हमें स्टैनली के साथ देखने को मिले थे गार्डियन द गैलेक्सी मूवी में। तो गाइस, आज के लिए बस इतना ही। तो कैसा लगा अपडेट, कैसा लगा वीडियो? अगर आप ये वीडियो YouTube पे देख रहे हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, Facebook पे देख रहे हो पेज को लाइक करें। रियली में आपको ये वीडियो पसंद आए तो प्लीज लाइक करें, शेयर करो। जो बंदे इस वीडियो को नहीं देखे हो, या तो उस पर स्पाइडरमैन के हाथ मारो या पैर मारो, पर और कुछ मत मारना। बाय बाय, जा रहा हूँ।